बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं गले का साइज़ दिखा रही हूँ। ये मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड पेच है, इसकी चौड़ाई 9 इंचेस है और इसके लिए मैंने बुकरम ली है तकरीबन 14 इंचेस, और पेज की गहराई जो है ये तकरीबन 3-3.5 इंचेस है और इसके लिए मैंने बुकरम तकरीबन 8 इंचेस, देखिए इसकी लंबाई 8 इंचेस है। और इसको मैंने पिन अप किया हुआ है क्योंकि मैंने निशान लगाना है, मैंने इस पेज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाना है। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ दरमियान में इसे निशान लगा रही हूँ। ये निशान मैं बुकरम पे यहाँ पे लगाऊंगी, तकरीबन पेज के दरमियान से स्टार्ट करूँगी इस तरह से, और दरमियान वाला जो फूल है ना, सेंटर वाला, इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ पे भी इस तरह से निशान लगा दिए हैं। तो अब मैं पिन को हटा दूँगी और प्रॉपर जो है ना यहाँ पे मैं राउंड शेप दे दूँगी। देखें इस तरह से ये सेंटर पे जो मैंने निशान लगाया था, और ऊपर निशानों को सब इस तरह से मिलाने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड कर दूंगी। फ़ोल्ड करने से ये होगा कि जब मैं इसको कट कर दूंगी तो वे बराबर होगा, एक तरफ छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए ये जो निशान लगाया था, दोनों निशानों को अच्छे तरीके से मैंने मिला दिया है, और अब यहाँ पे मैंने राउंड शेप दिया, लेकिन मैं थोड़ा चौड़ाई में कट करूँगी, तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई है इसकी। और यहाँ पर पिनअप करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखें यहाँ पे मैं गले को इस तरह से कट कर लूँगी और फिर इसको मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लूँगी, जैसे हम सिंपल गले बनाते हैं ना उसी तरह से। तो अभी इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 10.5 इंचेस है, और जब ये पेच लग जाएगा तकरीबन 11 इंचेस है। तो पेच लगने के बाद ये इसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, और इस ये डीपी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ और इस पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी अच्छे से। पेस्ट करने के बाद साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करना है, वो तो आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूर चेक करना है, जो साइज़ है वही यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। तो देखिए जी, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है और यहाँ ऊपर से भी कट कर लेंगे, और इसके बाद ये जो बाहर कपड़ा है यहाँ पे कट लगा देने हैं, और इसके बाद इसको फैब्रिक ग्लू या फिर इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लू लगा दिया है, और अच्छे से फोल्ड करने के बाद प्रेस के साथ इसको अच्छे से बिठाना है, सिलाई लगानी है, और फिर गला जैसे हम बनाते हैं शर्ट पे इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने इस्त्री बिल्कुल हल्की गर्म थी तो यहाँ पे मैंने लगा दी है। अब देखें यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने गला जो है ना ये पेच लगाना है। तो अमूमन हम पहले इस तरह पेच को एम्ब्रॉयडरी मशीन के साथ अटैच कर लेते हैं, सिंपल के साथ भी करते हैं, या फिर मार्केट में टेलर से करवा लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि पहले मैं यहाँ गला रेडी करूँगी और उसके बाद पेच लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी अच्छी तरह से, सेंटर और सेंटर मिला के, दोनों सेंटर मिला के यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, और यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है मैंने इस तरह से, और इसके बाद अच्छी तरह से प्रेस के साथ मैंने इसको बिठाना है। तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेच लगने के बाद जब पेच अटैच हो जाएगा तो ये ऑलरेडी जो है ना स्टिच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा गला, तो तुरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आपका फैब्रिक आसानी से बैठने वाला नहीं है तो थोड़ा सा गीला करके, शावर करके आपने इसको अच्छे से बिठाना है।
इससे ये होगा कि इसमें सफाई आ जाएगी और चुंटे वगैरह नहीं बनेंगे, तो फिर आप आसानी से तुरपाई कर लेंगे। तो मैंने तो तुरपाई नहीं करनी, यहाँ पे मैंने ऊपर पेच लगाना है। तो इस तरीके से मैंने पेच को अटैच करना है। देखिए इसका हाफ जो हिस्सा होगा ना वो बाहर की तरफ होगा और हाफ जो है वो गले पे अटैच हो जाएगा, और हाफ गला जो है वो अंदर की तरफ कटवर्क की तरह नज़र आएगा, जैसे हम अमूमन दामन बाजू पे कटवर्क करते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी पेच वगैरह लगा के या एम्ब्रॉयडरी करके उसको काविया करते हैं तो कटवर्क करते हैं। तो इस तरह से यहाँ मैंने सेट कर दिया है। ग्लू लगाने के बाद मैं यहाँ अच्छे से अपनी जगह पे सेट कर लूँगी, बिल्कुल सेंटर में, जो सेंटर का फ्लावर है वो आना चाहिए। और उसके बाद मैं मशीन के साथ इसको अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं लगा दूँगी जहाँ पहले मैंने सेट कर दिया है, वहाँ निशान वगैरह लगा दिए हैं, और फिर ग्लू की मदद से यहाँ मैंने इसको अटैच कर दिया है। अगर यहाँ आपको थोड़ी चौड़ाई कम महसूस हो रही हो तो इस तरह कट लगा के आपने इसको चौड़ा करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चिपका लिया, अब ये हिल नहीं रहा। और अब यहाँ मैं दरमियान से स्टार्ट करूँगी, बिल्कुल सेंटर वाले फ्लावर से यहाँ से स्टार्ट करना है। और मशीन की जो पैर है वो मैंने उतार दी है। तो हमेशा मैं पैच को दूसरी मशीन से, जो मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन है, उसके साथ अटैच करती हूँ, लेकिन आज मैं सिंपल मशीन के साथ इस तरह से अटैच करूँगी। और यहाँ पे आप चाहें तो ज़िगज़ैग टांका भी लगा सकते हैं और सिंपल भी, अब आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे आप सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं और इस तरह से थोड़ा ज़िगज़ैग टांका भी लगा सकते हैं। तो इसको मैं अब रॉन्ग साइड दिखाती हूँ कि रॉन्ग साइड पे किस तरह से ये होता है। देखें इस तरह से ये नज़र आता है, फालतू धागे वगैरह कट करने हैं। तो अब यहाँ पे धागा इसलिए ज़्यादा टूट रहा है क्योंकि मैंने फुट भी उतारी हुई है पैर, और अगर मैं उंगलियों की मदद से दबा के रखूँगी जिस तरह फुट की प्रेशर होती है ना, तो फिर धागा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ढीला हो जाए तो फिर धागा टूट जाता है। तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, पेंटेक्स लगाए गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मोटाई बढ़ गई है, तो इसलिए अगर प्रेशर नहीं होगा तो धागा टूटेगा, क्योंकि पैर का दबाव जो होता है ना उसके ऊपर, तो फिर धागा नहीं टूटता। तो न्यू सीखने वालों को ये भी एक ट्रिक जो है पता चल गया होगा कि जब मोटाई बढ़ जाती है और हम इसको हाथों की मदद से दबाएंगे नहीं, अच्छे से प्रेशर नहीं होगा, तो धागा इस तरह फिर टूटता है बार बार। तो अक्सर हम जो है ना एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में कपड़ा टाइट करके लगाते हैं वो इसी वजह से, और फिर एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो इसी वजह से कि धागा बार बार ना टूटे। तो एक तरफ मैंने पेच को अटैच कर दिया है, अब इसी तरीके से दूसरी तरफ भी अटैच करेंगे, लेकिन यहाँ से मैं इस तरह सेंटर में जो हमारे गले का जो किनारा है ना उसके ऊपर से यहाँ मैं टर्न करूँगी, और फिर देखें इस तरह से इस किनारे के ऊपर ऊपर मैं सिलाई लगाती आऊँगी, ताकि जो दरमियान किनारा है ना वो बिल्कुल पेच के साथ अटैच हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने कलर धागे का जो है ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, इस कलर ऐसा कलर डाला है जो दोनों कलर्स में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए यहाँ पे फिर से मोटाई बढ़ गई है, इसलिए बार बार धागा टूट रहा है, तो मुझे यहाँ पे फिर से अच्छे से दबाना होगा। फुट के बग़ैर तो वैसे भी धागा टूटता है, लेकिन इस तरह मोटाई बढ़ जाए ना तो फिर
बार बार टूटता है अगर थोड़ी सी भी प्रेशर कम हो जाए। तो अब देखिए इस तरह मैं यहाँ दूसरी तरफ भी अटैच कर लूँगी और फिर ये जो फालतू एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है ना इसको मैं काविया के साथ अच्छे से कट कर लूँगी, इसकी सफाई कर लूँगी। फिर इसके बाद आप देखिए ये कितना अच्छा लगेगा। अच्छा इस वीडियो की ना मैंने दो बार वॉइस ओवर की है, पहले जब मैंने की थी तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शोर सुनाऊंगी। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसकी वजह से हमारी जो बेल है ना गेट के बाहर जो डोर बेल है वो खुद ब खुद बहुत आवाज़ें निकाल रही थी जैसे कोई बजा रहा होता है ना। तो सारी जो मैंने वॉइस ओवर की थी शोर तो था लेकिन मैंने कहा मैंने ये वीडियो हर सूरत में अपलोड करनी है, लेकिन फिर बाद में जब मैंने सुना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ये वीडियो ऐसी पड़ी रही, फिर उसके बाद दोबारा मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी तो वो थोड़ा सा शोर अभी मैं सुनाती हूँ। क्या आप लोगों की बिल भी इस तरह शोर बजाती है जब बारिश के साथ जो है ना गीली हो जाए बारिश हो तो? ये ना कुछ इस तरह से आवाज़ें निकालती हैं जब बारिश हो गीली हो जाए हमारी डोर बेल बाहर। तो फिर उसके बाद मैं बिज़ी रही, बहुत सारे जैसे मैंने ड्रेसेस रेडी करने थे तो फिर बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हैं लेकिन एडिट करने का और फिर वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। कभी शोर होता है, कभी सिलाई में बिज़ी, घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो ये देखिए जी यहाँ तक जो सेंटर वाला फ्लावर है ना यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ और हमारा जो पेच है वो अच्छे से अटैच हो गया है। और दूसरी तरफ मैंने काविया लगाया हुआ है, वो गर्म हो गया होगा तो काविया के साथ अब अच्छे से इसको कट कर लेंगे और इस तरह से हमारा गला रेडी हो जाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से इसको कट करती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे फिंगर की मदद से मैं ऑर्गेन्जा को पकड़ के यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा को जला रही हूँ, फैब्रिक को कट कर रही हूँ। लेकिन जहाँ फैब्रिक मतलब कॉर्नर होंगे ना वहाँ मैं ट्यूज़र का यूज़ करूँगी। देखिए इस तरह से ट्यूज़र के साथ फैब्रिक जो है ना ऑर्गेन्जा का पकड़ना है और यहाँ पे इस तरह से काविया की मदद से जलाना है, कट करना है ताकि बिल्कुल भी फैब्रिक जो है वो अंदर तक ना रहे। तो ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की तरह लग रहा है जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इस तरह से मैं ये सारा जो है ना इसको साफ करके दिखाती हूँ। इस तरह से कॉर्नर जो है जहाँ पे होंगे ना वहाँ पे इस तरह से ट्यूज़र के साथ पकड़ना है। बाकी इस ड्रेस की कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इसके स्लीव्स की डिज़ाइन जो है डिज़ाइनिंग मैंने जो अलग सी वीडियो बनाई है वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पर विज़िट करें। तो यहाँ पे मुसलसल काम करने से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इसलिए बाकी का काम ऑफ कैमरा करके मैं दिखाती हूँ। जिस तरह से ये मैंने कट किया है उस तरह से बाकी का भी मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं यहाँ पे। अच्छा इस वीडियो की ना वॉइस ओवर पे भी काफ़ी दिन लगे थे, थोड़ा सा वॉइस ओवर करके फिर रखना पड़ता, फिर टाइम मिलता तो फिर। तो इस तरह से ये है फाइनल लुक। कैसी लगी है मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक लाजमी करें अगर मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो, कुछ नया देखने को मिला हो। तो और यहाँ पे मैं आपको गले की चौड़ाई और गहराई बताती हूँ। तो ये रेडी हो गया इस तरह से, तकरीबन 10 इंचज इसकी चौड़ाई है और गहराई जो है वो तकरीबन 4 इंचज़।
रेडी हो जाएगा इस तरह से। ये बहुत प्यारा लग रहा था, इस तरह से आप लेस भी लगा सकते हैं, मतलब इस तरह से लेस लेके उसकी साइड पे जो फैब्रिक होता है ना उसको कट करके काविया के साथ, तो फिर इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसके साथ मेरी आज की वीडियो एंड होती है, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।